Hello everyone. वन इन टूडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट वर्ड प्रॉब्लम यानी लफ्ज़ों की कुछ ये uh, problems हैं मसले हैं कैसे होते हैं maths में ये मैं आपको बताती हूँ हम five different types of word problems को देखेंगे उन्हें solve करेंगे one by one और आपको ये सारी चीज़ें आज clear हो जाएंगी ठीक है उसके बाद assignment मिलेगी आपको तो ये सारी चीज़ें जो है cover करने के लिए लास्ट class में देखिएगा चलें start करते हैं so, the very first question is फाइंड टू कंजक्टिव ओर्ड इंटीजर्स हु इज वन फोर्टी मतलब दो हमने क्या करने कंजक्टिव कंजक्टिव का मतलब होता है एक साथ जो आ रहे हैं जैसे वन टू एंड कंजक्टिव नंबर टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से ठीक है ओर्ड इंटीजर्स यानी जो ऑर्ड नंबर होते हैं ओर्ड नंबर कौन से होते हैं जो टू पर डिवाइड नहीं होते ठीक है हु सम इज़ वन फोर्टी जिनका जमा करने से हमारे पास वन फोर्टी आ रहा है तो हमने इसमें से एक इक्वेशन बनानी है इक्वेशन कैसे बनी वो मैं आपको बताती हूँ दो नंबर्स उन्होंने कहा ना कि लेट बी टू इंटीजर्स हमने दो इंटीजर्स लेट किए एक्स एंड एक्स प्लस टू दो इंटीजर्स ले लिए ठीक है एक्स प्लस एक्स प्लस टू दोनों को जमा करने से उनका सम क्या आ रहा है पीछे वन फोर्टी बताया उन्होंने तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन फोर्टी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम सिंपली ये जो ब्रैकेट है इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स प्लस टू वैसे ही इज इक्वल टू वन फोर्टी वैसे ही आ जाएगा अब ये टू यहाँ पे प्लस हो रहा है जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस जैसे यहाँ पे हुआ है तो टू एक्स इज इक्वल टू वन फोर्टी माइनस टू तो ये वन फोर्टी माइनस टू क्या होगा वन थर्टी एट ठीक है ये वन थर्टी एट आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा जैसे यहाँ पे हो गया तो ये 138 डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा तो 138 को जब हम टू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 69 ठीक है और इसका हमारे पास एक्स का आंसर आ गया मतलब एक का आंसर आ गया सिक्सटी तो हमने क्या करना है कि एक्स आ गया तो हम x प्लस टू इसमें प्लस करेंगे तो x प्लस टू मतलब x की जगह 69 नाइन सिक्सटी नाइन प्लस टू इज इक्वल टू सेवेंटी वन तो हमारे पास जो दो कंजक्टिव ओड इंटीजर्स हैं वो हैं 69 और 71 दोनों को प्लस करके देख लें हमारे पास आंसर 140 ही आएगा गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द सम ऑफ थ्री कंजक्टिव इंटीजर्स इज एटीन वट इज़ द ग्रेटेस्ट वन अब हमने तीन कंजक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं इसमें ये नहीं है कि ऑड या इवन कुछ भी नहीं बस कंजक्टिव होने चाहिए एक साथ आने चाहिए और उनका सम क्या है एटीन इसी तरह अब जैसे हमने उसके बाद यहाँ पे ये यह भी बताना कि ग्रेटेस्ट कौन सा है तो जैसे हमें पिछले में x और एक्स प्लस टू लिया था दो इंटीजर्स थे तो यहाँ पर हम तीन ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं एक्स प्लस वन ले लेते हैं प्लस टू ले लेते हैं

एटीन यहाँ पे था तो यहाँ पे प्लस थ्री उस साइड पे जाके हो गया माइनस थ्री तो हमने लिख दिया थ्री एक्स इज इक्वल टू एटीन माइनस थ्री एटीन माइनस थ्री हमारे पास आता है फिफ्टीन तो नेक्स्ट हमने क्या करना है एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री कितना आता है फाइव एक्स हमारे पास आ गया फाइव हमारे पास यहाँ से पहला आ गया ठीक है तो हम दूसरा अगर कर फाइंड करना है तो एक्स प्लस वन यानी फिफ्टीन में वन प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी फाइव में वन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स उसके बाद एक्स प्लस टू यानी फाइव में टू प्लस करेंगे तो क्या आएगा सेवन और इसमें हमें ग्रेटेस्ट बताना है तो ग्रेटेस्ट हमारे पास सेवन है बस इतना ही क्वेश्चन करना है नेक्स्ट पे चलते हैं सम ऑफ टू नंबर इज टेन एंड डिफरेंस इज टू वट आर द नंबर्स दो नंबर्स का सम हमारे पास टेन है जमा करने से हमारे पास दस आ रहा है और उन्हें माइनस करने से हमारे पास टू आ रहा है डिफरेंस माइनस ये सब्ट्रैक्शन तो नंबर क्या हुए पहले लेट करने वाला काम हमने सेम वैसे ही करना है आ, यहाँ पे हम एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं हम यहाँ पे भी ले सकते हैं एक्स और एक्स प्लस वन लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर हैं ठीक है एक एडिशन है एक सब्ट्रैक्शन है तो इसलिए हमने एक्स और वाई ले लिया ठीक है तो एक्स प्लस वाई हमारे पास आ रहा है टेन और एक्स माइनस वाई आ रहा है टू हमने ये दो बना लिए डिफरेंट इक्वेशन अब हमने क्या करना है कि इनको माइनस करना है कैसे करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई ठीक है इज इक्वल टू टेन वो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना आ, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वो भी जिसकी इक्वल है वो अब यहाँ पे इसमें रूल ये होता है कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते होते हैं ठीक है ये प्लस वाई माइनस वाई मतलब वन में से माइनस वन करेंगे तो जीरो ही आएगा ना तो इस तरह से ये कैंसिल हो गए और एक्स प्लस एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया टू एक्स ठीक है और उसके बाद हमारे पास इक्वल टू वहाँ पे टेन था टेन प्लस टू हमारे पास क्या होता है ट्वेल्व तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व और इसे ट्वेल्व को हम यहाँ पे एक्स uh, के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू हमारे पास सिक्स आंसर आ जाएगा अब हमारे पास जब एक का आंसर आ गया तो हम एक्स को हम किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से पुट करेंगे और हमारे पास दूसरे का भी आंसर आ जाएगा जैसे हमने इसमें पुट किया एक्स की जगह पर सिक्स लगा दिया ठीक है प्लस वाई इज टू टेन वैसे का वैसे ही ये सिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर तो हमारे पास जो दो नंबर हमें जो चाहिए थे इट्स एक्स इज ईक्ल टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू फोर अब देखिए सिक्स प्लस फोर अगर हमने चेक करना हो कि हमारा आंसर सही आया भी है या नहीं तो यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स करें तो टेन आता है बिल्कुल आता है यहाँ पे एक्स माइनस सिक्स यानी एक्स माइनस वाई करें यानी सिक्स माइनस फोर करें तो हमारे पास टू आता है बिल्कुल आता है तो हमारा वेरीफाई भी हो गया

हम यहाँ पे क्या करेंगे हमने टोटल सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए था हम टोटल कर लेते हैं कि x है ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी कि टोटल में से माइनस किया एकवटा सिक्स एक्स मतलब x का एकवटा छः हिस्सा वो हमारे पास जो ले ऑफ हो गए ऐसे ही है ना ले ऑफ कितने हुए वन बाय सिक्स ठीक है तो वन बाई सिक्स सात एक्स मतलब वो टोटल में से छठा हिस्सा है ना ठीक है इज इक्वल टू तो सिक्स नाइन्टी हमारे पास सिक्स नाइन्टी बच गया तो हमने सिंपली क्या करना है इस तरह से इसका एल्सियम ले लेना है मतलब हमारे पास आ गया था ना वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स हमने इसका एलसीएम लिया हमारे पास यहाँ पे सिक्स आता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास सिक्स एक्स आ जाएगा माइनस एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे यही हो गया कि सिक्स एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स नाइन्टी सिक्स एक्स माइनस एक्स मतलब एक एक्स गया तो फाइव एक्स बचेगा इस टू सिक्स नाइन्टी वैसे ही मतलब डिवाइडेड बाई सिक्स तो हो ही रहा है अब यहाँ पे ये यह डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर जाकर ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स नाइन्टी मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स नाइनटी को सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जीरो और यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड तो फोर वन फोर जीरो को डिवाइड करेंगे फाइव पे तो आंसर हमारे पास एट ट्वेंटी एट आ जाएगा गॉट इट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया अब हम देखते हैं एक आ, आ, इसका टोटल का आंसर आ गया अब हमने इसमें देखने है क्योंकि हमने ये पता चलाना है ना कि लेड ऑफ़ मतलब निकाल ले कितने गए हैं तो लेड ऑफ़ के हमारे पास थी वन ओवर सिक्स एक्स यानी टोटल एक्स है तो एक्स में से छठा हिस्सा तो एट ट्वेंटी एट हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे ठीक है पुट किस तरह से किया वन बाय सिक्स और यहाँ पे एट ट्वेंटी एट ठीक है तो 828 को जब सिक्स पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 138 यानी जो निकाले गए थे वो 138 थे गॉट इट अब हम लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इफ थ्री इज एडिड टू अ अटन नंबर अगर किसी भी नंबर में तीन जमा किया जाए तीन जमा हो रहा है द रिजल्ट इज फिफ्टीन लेस देन द द्री टाइम्स द नंबर मतलब क्वेश्चन को पहले समझते हैं अगर तीन ऐड किया जाए किसी नंबर में ठीक है और उसका जो आंसर आ रहा है वो पंद्रह उसी नंबर के पंद्रह लेस देन है थ्री टाइम्स द नंबर वो जो नंबर था उसके थ्री टाइम्स कर लो मतलब अगर एक्स था तो थ्री एक्स कर लो और उसमें से माइनस कर दो पंद्रह ठीक है तो नंबर क्या होगा यहाँ पे हमारा हुआ कि एक्स प्लस थ्री कि एक्स, आ, थ्री क्वेश्चन था ना थ्री इज टू तो अ सर्टेन नंबर तो एक्स हम वो नंबर ले लेते हैं और एक्स प्लस थ्री उसमें थ्री एड किया इज इक्वल टू थ्री एक्स मतलब तो थ्री टाइम्स अ नंबर ठीक है लेस देन लेस देन का मतलब होता है माइनस तो माइनस फिफ्टीन ये हमारी इक्वेशन बन गई अब सिंपली हमने क्या करना है कि एक्स वालों को एक साइड पर कर लेते हैं विदाउट एक्स वालों को एक साइड पर कर लेते हैं तो थ्री प्लस फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है और थ्री एक्स माइनस यहाँ पे एक्स था सॉरी डेर अ मिस्टेक थ्री नहीं यहाँ पे एक्स है तो थ्री प्लस फिफ्टीन एटीन हो जाएगा और थ्री एक्स माइनस एक्स हमारे पास टू एक्स हो जाएगा इस तरह हम क्या करेंगे एक्स को एक साइड पर रख के ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं तो एक्स इजल टू एटीन डिवाइडेड बाई टू जब एटीन टू से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइन ओके वेल आई होप कि आपको ये पाँचों किस्म के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अगर नहीं आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लें कमेंट uh, बॉक्स में मैं आपको इसका बता दूंगी कि कैसे ये हुआ है सब ठीक है बाकी असाइनमेंट आप लोगों को कम्युनिटी में मिल जाएगी आज की असाइनमेंट नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में ला लाजमी सबमिट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे इवेल्यूट कर सकूँ थैंक यू